हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 के टर्म वन रिजल्ट को लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि रिजल्ट जो है दोस्तों 7 जनवरी को आने वाला है या एक हफ्ते में आने वाला है। बट दोस्तों, जो रिजल्ट है वो कब आएगा इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में ये भी आपको बताने वाले जो सेकंड टर्म एग्जाम वो कब होंगे, उसकी डेट शीट कब जारी की जाएगी, और जो एक खबरें लगातार फैल रही दोस्तों की सीबीएसई द्वारा जो है क्लास 10th और क्लास 12 का जो है पैटर्न, यानी जो फाइनल टर्म का एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न बदल दिया गया है। क्या ये सही खबर है या गलत है, इसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के जो टर्म वन एग्जाम है उसका रिजल्ट कब आ रहा है, ऑफिशियल डेट क्या है। दोस्तों, अगर सीबीएसई टर्म वन रिजल्ट की हम बात करें और इसके ऑफिशियल डेट की बात करें, तो हालांकि सीबीएसई ने भी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया है, बट जो दोस्तों खबरें आ रही हैं और जो तमाम मीडिया चैनल से अगर हम बात करें, एनडीटीवी एजुकेशन की बात करें और एबीपी की बात करें, जैसे बहुत सारे जो मीडिया हैं उन्होंने अपने अखबार में दोस्तों 15 तारीख की डेट को वहाँ पर प्रकाशित किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 15 जनवरी तक जो है सीबीएसई टर्म वन का रिजल्ट आ सकता है, बट इसको लेकर दोस्तों सीबीएसई ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो 15 जनवरी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी 15 जनवरी तक जो है आपके रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम बताते चले कि 15 जनवरी को ही आपके सीबीएसई जो क्लास 10 और क्लास 12 का टर्म 2 या फाइनल जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट शीट भी आ जाएगी। इतना कन्फर्म है कि 15 जनवरी तक वो भी डेट शीट आप सभी को दे दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, कि बहुत सारे चैनल्स पर ये खबरें बताई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, जिसका सीबीएसई ने खुद खंडन किया। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीबीएसई जो है क्लास 10th और क्लास 12th का जो है पैटर्न चेंज करने वाली है। ये कुछ मीडिया चैनल जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बता रहे हैं और ये भ्रम फैला रहे हैं कि सीबीएसई अपना टर्म 2 का जो सिलेबस वो बदल लिए, बट ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सीबीएसई ने खुद बकायदा इस खबर खंडन किया कि वो कोई भी सिलेबस और कोई भी पैटर्न चेंज करने वाला नहीं है। जो पैटर्न दोस्तों शुरू में था वही पैटर्न आप सभी के लिए होगा, यानी सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला। और सीबीएसई ने खुद कहा कि जब तक सीबीएसई को ऑफिशियल नोटिस ना दे इसके रिगार्डिंग, आपको किसी खबर पर विश्वास नहीं करना, और डायरेक्ट आपको दोस्तों सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर चेक करना है, वहीं पर सारे खबरें आपको दोस्तों मिलेगी। और लगातार बहुत सारे ऐसे भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना बनाकर डाल डालकर बस व्यू चक्कर में, और इससे दोस्तों विद्यार्थियों लगातार घाटे हो रहे हैं। तो आपको खुद समझना होगा कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी झूठी है, क्योंकि गलत खबरों का प्रसार बहुत ज़्यादा 2 सालों में बढ़ चुका है दोस्तों। जैसे कि अभी कुछ स्टेट ने दोस्तों अपने बोर्ड परीक्षाओं की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, तो इन सभी बोर्ड्स ने अपने परीक्षा की तिथि क्लास 10 और क्लास 12 की जो है जारी कर दी है। बट दोस्तों, जैसे जैसे आपको सभी पता है कि पूरे देश में कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के केसेज भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, और बहुत से जो चैनल्स ये बता रहे कि स्कूल कॉलेज हमने अभियान चलाया तो बंद हुए। तो ये सारी खबरें दोस्तों बहुत झूठी हैं, इस पर विश्वास ना करें। कोई चैनल किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई स्कूल बंद करवाने में, खुलवाने में योगदान नहीं देता है। सभी दोस्तों एक कार्य तरीके से होते हैं, इनमें एक दोस्तों एक कार्यान्वयन होता है, उसके आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप सभी को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था कि 15 जनवरी तक आप सभी के टर्म वन के रिजल्ट आ सकते हैं, और 15 जनवरी को ही आपका जो फाइनल जो टर्म उसका डेट शीट भी जारी हो सकती है, बट सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।